बढ़िया का मसाला है। हाय दोस्तों, जोहार। आज फिर MKS मनोज कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग, हमारी माँ बना रही है चावल और उड़द दाल का धुसका रोटी। तो चलिए, हम लोग कैसे अपना घर में बनाते हैं धुसका रोटी, सब बताने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारा चैनल में और देखिए कि हम किस तरह से धुसका रोटी बनाते हैं। तो बने रहिए। तो ये देखिए, हम लोग चावल कूट के रेडी रख दिए हैं बूढ़ी बना करके, और यहाँ उड़द के दाल को धो रही है मेरी माँ। और देखिए, पानी से अच्छा से धो के उसका जो छिलका होता है उसको निकाल रही है, तो बहुत बढ़िया फ्रेश से। इसके बाद सिलवट यहाँ पर है क्या, इसी में पीसना है, तो साफ कर ली। इसके बाद देखिए, हम मेरी माँ इस रोटी को पीसने लगी। देखिए, सिलवट में पीस करके इसके बाद जो भी होगा मसाला वसाला मिक्स किया जाएगा, वो सब बताते हैं क्या क्या प्रोसेसिंग है। बस हम जो ढेकी में कूटा गया है, हम लोग ढेकी में कूटते हैं चावल, उसको नहीं बता पाए। तो ये देखिए, इस तरह के उड़द को कूट करके और फिर ये देखिए उठा लिया गया है यहाँ एक प्लेट में। और प्लेट में यहाँ देखिए गुड़ी जो रेडी था, उसमें गुड़ी में अब जो यहाँ पर पहले गर्म होने के लिए पानी भी चढ़ा दिया गया है, और पानी हीट हो गया। इसके बाद उसमें धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार डाल डाल करके ज़रूरत के हिसाब से उसको चलाते रहना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है प्रक्रिया, वो बता रहे हैं ये उड़द का दाल था। अब वो इसके बाद इसको भी डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा पानी मिला के और उसको ये कर ले रहे हैं। तो देखिए, अभी और ज़रूरत है पानी डालने के लिए, तो और डाल करके मिला ली। और इसको देखिए पूरा अंदर से मतलब चलाया जा रहा है, ठंडा पानी से करने से ख़राब हो जाता है, इसलिए इसका गर्म पानी ही करते हैं। तब देखिए, यहाँ पर उड़द का दाल उसमें मिक्स करेंगे। इसको भी एक ही बार पूरा नहीं कर देना है, धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से करना है। और इसके बाद इसको चलाना है, पूरा मिक्स कर देना है, मिला देना है। ये देखिए, सब डला गया उसमें, समा गया। और पानी यदि ज़रूरत पड़े तो उसको डाला जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है। अब इसमें मसाला देखिए, यह है सब्जी मसाला पुड़िया वाला, तो इसको डाल दे रही थोड़ा स्वादिष्ट आने के लिए। और कलर चेंज होने के लिए अभी हम लोग ये चीज़ डालेंगे, हल्दी पाउडर। तो ये देखिए, हल्दी पाउडर भी यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें नमक भी आएगा, तो अभी हम लोग इसके बाद में नमक का भी प्रयोग करेंगे, स्वाद अनुसार, आवश्यकता अनुसार नमक भी ऐड कर दिया गया यहाँ पर। ये देखिए, हमारा मसाला है। अब इसके बाद उसको फिर मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद देखिए दोस्तों, ये पीला था, अब धीरे धीरे कलर परिवर्तन हो रहा है, यहाँ देखिए बदला गया, इसका कलर पीला हो गया है। और देखिए लोर, इसको लोर बोलते हैं हम लोग, लगभग में तैयार होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, यार यहाँ पर चूल्हा पर लोहिया भी चढ़ के तैयार है। अरे देखिए, इसको बांध रही है मेरी माँ, बांध रही है। इसे बांधने से नियम पहले से कहा जाता है कि नई तेल भेजता है, इसलिए पहले बांध लिए, इसके बाद रोटी तान दिए। तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हीट नहीं हुआ, जिसके चलते नहीं फेंका। तो फिर दूसरा साल देखेंगे। और पहला रोटी होता है ना, हम लोग उसको चूल्हा को देते हैं, जो बड़ बेटा रहता है वो खाता है वो रोटी को, वहाँ पर चूल्हा पर रख देगा। यहाँ देखिए, धीरे 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 तसला में देखिए, यहाँ देखिए एक रोटी वहाँ दिख रहा है ना चूल्हा पर, देखिए बोला। तो पहला रोटी वैसे ही रहता है, कोई भी पकाते हैं हम लोग ना, तो वैसे ही रख देते हैं। हमारा यही रोज का नियम है, इसी का पालन करते आते हैं। तो देखिए, एक के बाद एक के बाद एक दूसरा रोटी तैयार होते जा रहा है। इसके लिए सब्जी उब्जी पहले से ही तैयार है, तो जिसे जिसे तैयार होगा गर्मा गर्म लोग खाएंगे। धन्यवाद सर।